साथ ना जिसके चलता कोई हाँ। उसके साथ भगवान चले हाँ। क्या ये सच है या फिर एक दिलासा देने के लिए कहा जाता है? वैसे नीरज मन से कई बार ये भी कहते थे कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी कुंडली एक ही है। जब चंद्रमा बदला तो प्रधानमंत्री बन गए और मैं गीतकारों की दुनिया में मशहूर हो गया। नीरज एक ऐसा गीतकार है जिसने अलमारियों से गीतों को बाहर निकाला और लोगों के कंठ का हार बनाया। नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन के वीडियोस, जिसकी संकल्पना का श्रेय जाता है विश्वधर्मी, विश्व शांति और सामाजिक न्याय के पक्षधर प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथा कराड़ जी को। गीतों के बोल बड़े अनमोल, यही है वो सीरीज जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं गीतकारों की और उनके द्वारा लिखे गए गीतों की, जिसमें छुपा हुआ है अध्यात्म। पिछले हफ्ते हमने फिल्म काजल के गीत तोरा मन दर्पण कहलाए, इसके अध्यात्म में चर्चा की थी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी। आज चर्चा होगी कवि और गीतकार। जाने दीजिए, पहले सुनते हैं एक कहानी। एक बार उत्तर प्रदेश के इटावा के किसी गांव से काव्य पाठ करके कवि लौट रहे थे। रात हो चुकी थी, जीप जंगल से गुजर रही थी कि अचानक जीप झटका खाने लगी और घुर्र 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 की आवाज़ के साथ जीप रुक गई। पता चला कि डीजल खत्म हो गया। इतने में घुप अंधेरे में दो नकाबपोश डाकुओं ने जीप को घेर लिया और कवि मोहितो को पकड़कर वो अपने सरदार दद्दा के पास ले गए। दद्दा लालटेन की धीमी रोशनी में चारपाई पर लेटे हुए थे। डाकुओं को लगा था कि कहीं वो कवि पुलिस का मुखबिर तो नहीं, इसलिए वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले आए थे। पूछने पर कवि ने कहा कि वे कवि सम्मेलन से कविता पाठ करके लौट रहे थे और रास्ते में डीजल खत्म हो गया। तो सरदार ने कहा, अगर ये सच है तो पहले भजन सुनाओ, फिर हम मानेंगे। इस पर उस कवि ने कई भजन सुनाए। सुनकर डाकुओं के सरदार ने जेब से 100 रुपये निकाल कर दिए और कहा, बहुत अच्छा गा लेते हो। जानते हो वो कवि कौन था और कौन था वो डाकुओं का सरदार? सोचिए। डाकुओं का सरदार था मशहूर बागी सरदार माधो सिंह और कवि था, बताता हूँ, साल था 1938 का। कवि के पिता का देहांत कम उम्र में हो गया था। उनके फूफा जी हर महीने सिर्फ 5 रुपये भेजते थे, जिनसे उनके 3 भाइयों, माँ और नाना जी का खर्च चलता था। तब 1 रुपये में शेर भर शुद्ध देसी घी मिल जाता था। हालांकि तब नमक, तेल, लकड़ी से लेकर ज़रूरत की हर चीज़ के दाम आसमान छूने लगे थे। तो कवि महोदय को अपनी मुफलिसी, अपनी गरीबी खल रही थी। और फिर आया सन 60 का दशक, जब उस कवि का ऑल इंडिया रेडियो पर पहली बार एक गीत प्रसारित हुआ, जिसके बोल थे, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो कुछ यूं था गीत, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। फिल्म थी नई उम्र की नई फसल और इसके गीत ने गोपाल दास नीरज को रातों रात हीरो बना दिया। जी हाँ, आज के एपिसोड के नायक हैं गोपाल दास नीरज, जिनके 50 वर्ष पूर्व लिखे इस गीत में लोभ, दर्शन, संघर्ष, पश्चाताप, स्वप्न, आशा, अध्यात्म, सभी कुछ खूब खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। कई अन्य कवियों की तरह नीरज का भी जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा था। एटा में जन्मे उन्हें विषम नौकरियों की तलाश करनी पड़ी और फिर इटावा में एक उन्होंने टाइपिस्ट के रूप में काम किया था। लेकिन उनके अंदर का कवि बेचैन था। किशोरावस्था से ही नीरज ने कविता लिखना और मंच पर साझा करना शुरू कर दिया। अपने प्रारंभिक जीवन में नीरज को नौकरी बदलनी पड़ी और एक शहर से दूसरे शहर चले गए, लेकिन कविता लिखने के लिए उनका रुझान जारी रहा। अंत में वो धर्म समाज कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के बाद अलीगढ़ में ही बस गए। नीरज को दरअसल शब्दों पर महारत हासिल था। शब्द उनके पास लयबद्ध तरीके से अपने आप जुड़ जाते थे, जो आसान नहीं था। जब नीरज ने कभी सम्मेलनों में प्रवेश किया तो हरवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पूज्य पिताजी, पहले से ही मंच पर एक स्थापित नाम था। हालांकि नीरज ने अपनी राह गढ़ी और लोगों के दिलों को छू लिया। उनकी कविताओं ने रोमानियत को नया जीवन दिया, जो अध्यात्मवाद के साथ जोड़ा गया। नीरज ने बॉलीवुड की फिल्मों के लिए कई अमर गीत लिखे। SD बर्मन, शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों के लिए नीरज एक प्रख्यात पसंद बन गए थे।
संजीव कुमार और पद्मनी द्वारा अभिनीत फिल्म चंदा और बिजली में नीरज का लिखा गीत काल का पहिया घूमे भैया लाख करे इंसान रे अपने भीतर अध्यात्मवाद को समेटे हुए है। इसी गीत पर चर्चा करेंगे डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी कारदरे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। लियो टॉल्स्टॉय ने कहा था, द टू मोस्ट पावरफुल वॉरियर्स आर पेशेंस एंड टाइम। एक कभी रुकता नहीं, लेकिन क्योंकि वो रुकता नहीं, अगर आप धीरज रखें तो हर बुरा वक्त, हर कठिनाई पार हो सकती है। हमारा आज का गीत काल का पहिया घूमे भैया भी इसी सोच पर आधारित है। ये गीत 1969 में रिलीज हुई फिल्म चंदा और बिजली से है। गीतकार हैं नीरज, एंड एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं आज का गीत। जरूर। काल का पहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। काल का पहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि। सुनील जी, ये गीत भजन ज्यादा और हिंदी फिल्म का गाना कम लगता है, आपको नहीं लगता? मानसी जी, आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही कि धैर्य और समय जी, ये सबसे बड़े योद्धा हैं, और इन्हीं के बीच हमारा जीवन चलता भी है जी। आपका प्रश्न है कि ये भजन ज्यादा लगता है और गीत कम जी। नीरज एक ऐसा गीतकार है जिसने अलमारियों से गीतों को बाहर निकाला और लोगों के कंठ का हार बनाया, और इसलिए गीत में वो कहते भी हैं कि नीरज से पहले गीतों में सब कुछ था पर प्यार नहीं था, है ना। और उनकी एक पंक्ति है कि गीत अनमन गजल चुप रुबाई हो दुखी जी। गीत अनमन गजल चुप रुबाई हो दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। तो नीरज वो गीतकार है कि जिसने शब्दों का चयन कुछ इस तरह से किया कि उन गीतों में भी वो जो अध्यात्म है, उन गीतों में भी वो जो चिंतन है, वो हमारे सामने आता है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं। तो यही बात है कि इस गीत में भी सत्य भी है, गीत भी है, और इसमें वो अध्यात्म भी है जो अगली पंक्तियों में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं अगली पंक्ति। जन की बेटी अवध की रानी सीता भटके वन वन में, जन की बेटी अवध की रानी सीता भटके वन वन में, प्राह के राग अकेली रात अंधेरी, मगर रतन है दामन में, साथ न जिसके चलता कोई, साथ न जिसके चलता कोई, उसके साथ भगवान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण। सुनील जी, इन पंक्तियों में कैसा अध्यात्म छिपा है जो हमने अभी सुना है? ये जनक की बेटी जी और बन बन भटके जी, जीवन में असल में क्या है कि नियति अपना काम करती है, और नियति के बीच में जो आपने काल की बात की, काल का पहिया घूमे रे भैया, तो काल के बीच में धर्म भी नहीं आता, वहां नियति अपना काम करती है, जिसे आप अंग्रेजी में नेचर कह सकते हो कि नेचर अपना काम करता है, कुदरत अपना काम करता है। और इसमें एक लोक कवि की बहुत ही अच्छी पंक्ति है, क्योंकि राम और सीता का जो विवाह हुआ तो बहुत ही जन्म कुंडली मिलाने के बाद उनका विवाह हुआ,
तो सारे गुण, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि गुण मिलाए जाते हैं, तो सारे गुण मिले। लेकिन फिर लोक कवि ये कहता है कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगुन धरी, यानी मुनि वशिष्ठ ने पत्रिका मिलाई, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगुन धरी, सीता हरणम दशरथ मरणम विपदा आन परी, कि इतनी जन्म कुंडली मिलाने के बाद भी सीता का हरण हुआ, दशरथ का मरण हुआ और सीता को वन वन भटकना पड़ा। तो यही बात है कि जो समय का चक्र है वो समय का चक्र सबको अपने साथ चलाता है, और उसके साथ में ईश्वर भी इसलिए चलता है कि मनुष्य को वो एक संदेश, एक मैसेज कि जीवन कैसे चलता है। इसलिए राम तो वैसे परब्रह्म हैं, लेकिन राम मानव लीला कर रहे हैं, और मानव लीला कर रहे हैं इसलिए वो सारे कष्ट, वो सारे दुख उन्होंने भी झेले जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में झेलता है। बिल्कुल। और अंत में इस इन पंक्तियों में जो एक और लाइन थी, जी, साथ ना जिसके चलता कोई, हाँ, उसके साथ भगवान चले, हाँ, क्या ये सच है या फिर एक दिलासा देने के लिए कहा जाता है कि आप चिंता मत करिए, आप अगर कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो भगवान आपके साथ हैं। जी, ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्योंकि पहले भी आपने जो भूमिका बांधी, हाँ जी, कि जिसमें धैर्य और आपने समय की बात की, जी, तो भगवान आपके साथ है, लेकिन परीक्षा तो आपकी होगी ही होगी। अब कंस को कृष्ण ने मारा, लेकिन कितनी बार, कितनी बार, कितने दिनों के बाद, कितनी गतिविधियों के बाद, तो जब ये समय चक्र चल रहा होता है उस समय उन सारी परिस्थितियों का सामना तो आपको करना पड़ता है, लेकिन फिर अंत में ईश्वर आपके साथ खड़ा दिखाई देता है। और वो कह देते हैं ना साधारण रूप में हम, कि सत्य नहीं हारता, धैर्य हारता है। कभी कभी हम उसका साथ छोड़ देते हैं और ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, हाँ जी, लेकिन सत्य सत्य है, वो कभी भी जीवन में हारता नहीं है। और इसीलिए ईश्वर भी उन सारे संकटों के बीच से होकर उसी सत्य की स्थापना करता है। बिल्कुल सही जी। अगली पंक्तियां सुनते हैं। जरूर। हाय रे किस्मत कुंवर कन्हैया, स्वाद न जाने माखन का, हाय रे किस्मत कुंवर कन्हैया, स्वाद न जाने माखन का, हंसी चुराए, हंसी चुराए फूलों की, वो कंस है माली उपवन का, भूल न पापी मगर पाप की, भूल न पापी मगर पाप की, ज्यादा नहीं दुकान चले, राम कृष्ण हरि। क्या काल या समय और हमारे भाग्य के बीच में कुछ रिश्ता है? कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तो क्या काल सच में सबके बीच में एक समानता बना देता है? काल अपनी गति से चलता है। हाँ जी। काल की गणना हो सकती है, हाँ जी, लेकिन आप समय की अगर उस तरह से कहें कि पर्याय रूप में हम कहते हैं कि काल यानी समय, हाँ जी, लेकिन काल की गणना है जी, समय की गणना नहीं हो सकती उस समय जी, क्योंकि समय अपने समय में कुछ कर रहा होता है। बिल्कुल। तो उस क्षण को हमें बांधना होता है जी। और इसमें जो बात एक आती है कि पाप की जो दुकान है वो, हाँ, अधिक दिन तक नहीं चलती, और इसीलिए उसके लिए ईश्वर का वो स्मरण जरूरी है। एक शायर ये कहता है कि जब अधिक लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उस प्रसिद्धि और उस मगरूरियत की वजह से वो भूल जाते हैं अपने आप को, वो काल को भूल जाते हैं, वो भाग्य को भूल जाते हैं, कि डेस्टिनी तय है हम लोग कहते हैं ना, तो वो भाग्य को भूल जाते हैं। और इसलिए शायर ये कहता है कि मशहूर होता जा रहा हूँ, मगरूर होता जा रहा हूँ। तो जब आप मशहूर होते हो, जब आप अपनों से दूर होते हो, वो लाइन ऐसी है कि मशहूर होता जा रहा हूँ, अपनों से दूर होता जा रहा हूँ, यारब ठोकर मार दे मुझे, मगरूर होता जा रहा हूं मैं। तो अपनों से दूर होने का मतलब क्या है कि आपने ईश्वर छोड़ा, आपने अपने लोग छोड़े जी, और आप उस झूठी प्रसिद्धि के बीच में लिप्त हो गए जी, जो शाश्वत नहीं है।
और इसीलिए आपके जो प्रश्न में बात आई है उसका उत्तर यही है कि बहुत दिनों तक न तो झूठ की दुकान चलती है और न पाप की दुकान चलती है। बिल्कुल सही। आइए सुनते हैं अगली पंक्तियाँ। अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना। अजब है कैसी प्रभु की माया, माला से बिछुड़ा दाना। ढूंढ जिसे मन सामने है वो जाए न लेकिन पहचाना। कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब, कैसे वो मालिक दिखे तुझे जब साथ तेरे अभिमान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सुनील जी, अभी आपने पहले भी वो शायर की एक जो पंक्तियां सुनाई थी कि लोगों से दूर होता जा रहा हूँ, मगरूर होता जा रहा हूँ, तो आपको ऐसे नहीं लगता कि गीतकार भी वही कुछ कहना चाहते हैं घमंड और अभिमान को लेकर? निस्संदेह स्वाभिमान और अभिमान में बड़ा अंतर है। और अभिमानी तो रावण भी बहुत था, ज्ञान था, पराक्रम था, लेकिन अभिमान था। और बार बार इस अभिमान के प्रति संतों ने, कवियों ने हमें चेताया भी है और सत्कर्मों की ओर आगे भी बढ़ाया है। और जब आप ये कहते हैं कि सत्कर्म यानी क्या, तो आप ये देखिए कि जब हम फिल्मी गीतों की बात कर रहे हैं तो एक बात याद आ गई कि महबूब खां कुछ लिख पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी फिल्मों का निर्देशन देखिए, उनकी फिल्में देखिए। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारे और उसके बाद फिर राष्ट्रपति बने। सुधा चंद्रन की बात आपके सामने है, अपाहिज होकर भी किस तरह से नृत्य के क्षेत्र में उनका नाम है। तो फोर्ड के मालिक की बात हम करें तो ये सत्कर्मों का परिणाम है कि उनके उन सत्कर्मों की वजह से वो अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचे और जो प्राप्ति उन्हें अभीष्ट थी और जो उन्हें मिलनी चाहिए थी वो उन्हें मिली भी। तो ये बात है। तो इन सभी में मुझे एक ही चीज़ ऐसे कॉमन नज़र आ रही है कि सभी इतनी कठिनाइयों के बावजूद सबने अपनी अपना अभिमान, अपना ईगो त्याग कर दिया था, शायद इसीलिए वो इतने कामयाब हो पाए लाइफ में। निस्संदेह अभिमान जो है वो विनम्रता का शत्रु है जी, और समर्पण का भी शत्रु है। तो समर्पण किसके प्रति? कार्य के प्रति। अब यहाँ जिनका जिक्र हमने किया है वो अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर रहे, अपना सारा अभिमान, अपना ईगो, अपने मैं को छोड़कर जी। है ना? तो जब मैं चला जाता है, उसके अनेक उदाहरण है कि नहीं? तो प्रेम गली अति साकरी जा मैं दोन समाए, वो भी मैं ही है कि जब आपका मैं चला जाता है तब, जब मैं था तब तू नहीं, उसमें भी वही मैं है। तो इस मैं के विसर्जन के बाद ही, इस अभिमान के समर्पण के बाद ही जो शत्रुता है समर्पण की जी, तो उसके बाद ही आपको यश की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल सही। तो चलिए सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है। दिल है तेरा, दिल है तेरा साफ तो प्यारे, घर में मथुरा काशी है। सच्चाई की राह चलो रे, सच्चाई की राह चलो रे, जब तक जीवन प्राण चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। काल कपैया घूमे भैया, लाख तरह इंसान चले। लेके चले बारात कभी तो, कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि। सुनील जी, यहाँ गीतकार दो चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कर्म भी अच्छे होने चाहिए और आपका दिल भी साफ होना चाहिए, तो फिर ही घर पे
मतलब या मन में आपके मथुरा काशी बना रह सकता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? एक पंक्ति आपको सुनाता हूँ। हाँ जी। काबा काशी छोड़ दे, हाँ जी, मत कर पूजा ध्यान, थाम सके तो बावरे माँ का आंचल थाम। यानी माँ के प्रति भी आपका जो कर्तव्य है, जो कर्म है, वो प्रधान है। काबा काशी के चक्कर लगाना प्रधान नहीं है। और इसीलिए मुझे एक पंक्ति और याद आ गई, एक विचारक है क्लिफर्ड जी, वो कहते हैं कि मान लीजिए कि मैं किसी का धन चुराता हूँ और उस चुराए हुए धन का सदुपयोग करता हूँ, तो भी मैं पहले के चोरी के कर्म के उस पाप से नहीं बच सकता। तो रॉबिनहुड गलत था कभी, तो जो भी करता था कि अमीर से चुराया लेकिन गरीब को दिया। तो वही यही है कि अलग अलग थॉट प्रोसेस होते हैं। हाँ जी। तो यहाँ क्लिफर्ड ये कहना चाहते हैं कि मैं उस पहले चोरी के कर्म के उस पाप से नहीं बच सकता, भले ही मैं उस धन का सदुपयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ वही बात है कि कर्म अगर तेरे अच्छे हैं जी, आप किसी अन्य मार्ग से भी मदद कर सकते थे, जो रॉबिन हुड की भी आपने बात की, तो किसी अन्य मार्ग से भी मदद कर सकते थे। और इसीलिए वाल्मीकि से पूछा गया था कि ये जो कुछ कर रहे हो इसमें घर के लोगों की हिस्सेदारी है क्या? जी। तो वाल्मीकि के पास कोई उत्तर नहीं था, और उसके बाद में फिर उनका सारा जीवन बदल गया और हमारे सामने रामायण जैसा महान ग्रंथ सामने आया, जो हमारे जीवन में लगातार निरंतर कुछ न कुछ शिक्षाएं देता ही है। जी, तो आप जो कह रहे थे मुझे उस पर यही सही लगता है कि ends do not justify the means, आपके कर्म भी अच्छे होने चाहिए और दिल भी साफ होना चाहिए। जी। कहते हैं काल हमें बदलता नहीं है, वो तो बस हमारे अंदर छिपी कहानी को धीरे धीरे प्रकाशित करता है। थैंक यू सुनील जी, धन्यवाद। इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं हमारी आज की चर्चा। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। एक बार पुनः आप सबका स्वागत। चर्चा हो रही है गीतकार गोपाल दास नीरज की। फिल्मों में नीरज के गानों ने उनकी लोकप्रियता में इजाफा किया, लेकिन उन्होंने फिल्मों के लिए गाने लिखते हुए भी अपने स्टाइल को बनाए रखा, उसे नहीं छोड़ा। लय उनकी कविता की एक वानगी थी जो उनके गीतों तक जाती थी। ऐसी घटनाएं भी हुई जहां नीरज ने खुद अपने गीत गाए ताकि संगीतकार आसानी से धुन विकसित कर सकें। इसका नमूना है फिल्म प्रेम पुजारी का लिखा गीत, जो उन्होंने लिखा था, क्या था, फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पार्टी, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पार्टी, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल। कोई भी उनके गीत की लय वर्ग को आसानी से पहचान सकता है और नीरज को इसका श्रेय भी दे सकता है। उनका दूसरा गीत एक बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, फिल्म पहचान का, या फिर ए भाई जरा देख के चलो मेरा नाम जोकर, इन सभी गीतों के बोल नीरज के आध्यात्मिक पक्ष को बेहद खूबसूरती से दर्शाते हैं, जहाँ उन्होंने लोगों की पीड़ा को अपने दिल की गहराइयों तक महसूस किया। नीरज पर श्री अरबिंदो का प्रभाव था और उनकी कविता में ये दिखाई देता है। भारत ने कई दिग्गज कवियों को देखा है जिनका अपना महत्व और कवियों को प्रस्तुत करने की प्राकृतिक शैली थी, लेकिन निसंदेह नीरज के मन में आम आदमी के लिए भावनाएं थीं। उन्होंने उनके दर्द को और कष्ट को महसूस किया और यह उनके लेखन में प्रेम के रूप में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। नीरज उर्दू को अच्छी तरह जानते थे और अपनी शैली खुद बनाते थे। उन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी खूब प्रयोग किया और हिंदी खड़ी बोली की कोमलता को छुआ। कविताओं को इतनी वाक्पटुता के साथ प्रस्तुत किया कि वह तुरंत सभी के होठों पर आ जाती थी। नीरज की सादगी उनकी जीवन शैली में साफ झलकती थी। नीरज कवि सम्मेलनों में होने वाली चुटकुलेबाजी पर कोफ्त जाहिर करते थे, बड़े नाराज होते थे, उन्हें मजा नहीं आता था। वे हमेशा कहते थे कि मंच पर अब कविताएं नहीं पढ़ी जाती हैं, सिर्फ चुटकुलेबाजी ही होती है। अब न वो कवि हैं जो मर्म को शब्दों में ढाल सकें और ना ही उनकी कद्र करने वाले श्रोता हैं। अपनी इस बात को उन्होंने शब्दों में बेहद खूबसूरती से पिरोया है। उनका कहना था, अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे, अब न वो दर्द न वो दिल न वो दीवाने रहे, अब न वो साज न वो सोज न वो गाने रहे, साकी साकी अब भी तू यहाँ किसके लिए बैठा है, अब न वो जाम न वो मैं न वो पैमाने रहे। वैसे नीरज मन से कई बार यह भी कहते थे कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी कुंडली एक ही है,
जब चंद्रमा बदला तो प्रधानमंत्री बन गए और मैं गीतकारों की दुनिया में मशहूर हो गया। और फिर 9 जुलाई 2018 को नीरज ने अंतिम सांस ली। विश्व शांति दर्शन की ओर से कवि गोपाल दास नीरज को शत शत नमन। एक सपना एक सच और रातों का सफर, जिंदगी कुछ कट गई और कुछ कट जाएगी। हमारा आज का गीत एक बहुत ही सुंदर सा भावनात्मक गीत है जिसमें अध्यात्म भी छिपा है। ये गीत है कहीं दूर जब दिन ढल जाए। जो पुरुष है वो अतीत जीवी है, वो अपने अतीत की तरफ ज्यादा देखने लगता है, और स्त्री जो है वो भविष्य जीवी है, वो भविष्य की तरफ ज्यादा देखने लगती है। इस वीडियो को अब यहीं देते हैं विराम और अगली बार चर्चा होगी गीतकार योगेश के लिखे गीत पर, जिसके बोल हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांच की दुल्हन बदन चुराए। फिल्म का नाम है आनंद। सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।